किसान भाइयों नमस्कार। सोयाबीन बीज उत्पादन के लिए किस समय इसको कटाई करने चाहिए और किस सावधानी के साथ गहाई की काम करने चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सोयाबीन बीज काफ़ी नाजुक होती है, अंकुरण की मात्रा इसमें कम होने का हर साल हर जगह से कोई ना कोई शिकायत आते रहती है। इसके लिए हमें कटाई और गहाई ये दोनों चीज़ में बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। कटाई सही समय पर होना चाहिए, जहाँ से सोयाबीन खेती में बहुत दिन तक पड़े रहना नहीं चाहिए, सही सूखापन आते ही उसको कटाई कर लेना चाहिए। और अगर हो सके कॉम्बाइन में अगर कटाई कर रहे तो सही समय पे उसको कटाई करना चाहिए, इसी के जब बीज में ज़्यादा मार ना पड़े। बीज ज़्यादा सूख जाने से बीज के ऊपर मार ज़्यादा पड़ता है और बीज टूटने का डर रहता है, इसलिए नमी की मात्रा 13 से 14% रहने से हम लोग कहते हैं कि उसमें कटाई और गहाई कर लेना चाहिए। अगर कोई किसान कॉम्बाइन हार्वेस्टर से अगर कटाई नहीं कर रहे, कटाई के बाद गहाई करना चाहते हैं, गहाई करने वाले मशीन में ये ध्यान रखिएगा, मशीन का स्पीड बहुत ज़्यादा होने से बीज टूटता है, अंकुरण में कमी हो जाती है। इसीलिए जो गहाई करने वाली मशीन है उस मशीन में मशीन का RPM हम लोग कहते हैं कि 450 होने से बीज सुरक्षित रहता है। इसलिए सबको ध्यान रखिएगा कि कटाई गहाई की जो मशीन है उसकी RPM 450 के आसपास ही रहे, 600 या 700 नहीं होना चाहिए। और खेत में बीज को या खेत में फसल को ज़्यादा देर तक छोड़ने से क्या होता है कि इस तरह से छिटकने की डर रहता है और बीज में कमी आ जाती है। बीज में अगर ज़्यादा नमी रहे तब भी उस टाइम में कटाई या गहाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरम बीज रहने से उस बीज के ऊपर मशीनों के डंडे के मार पड़ता है और अंकुरण कम हो जाता है। इस साल काफ़ी देर तक बारिश हुई, कुछ दिन पहले भी बारिश हुई, बीज में नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए कटाई एवं गहाई करने के बाद बीज को बोरियों में भर के तुरंत डंपिंग मत कीजिएगा। उसको स्टोरेज करने से पहले उसको अच्छी तरह से 2 दिन सूखा लीजिए, सूखाने के बाद ही उस बीज को भंडारण में लीजिए, नहीं तो बीज में नमी की मात्रा ज़्यादा होने से उस हालत में आपको बीज में फफूंद की आ सकती है और बीज में नमी ज़्यादा होने के कारण उस जल्दी उसका अंकुरण कम हो जाती है। इस साल बीज की ऐसी कभी कमी है, बहुत ही सावधानी से बीज को कटाई या गहाई एवं भंडारण कीजिए, जिससे कि अगले साल आपको अच्छी बीज मिले और उससे आपको अच्छा फसल मिले। धन्यवाद।